एंड वेलकम बैक। पिछले कालांशों में हमने भाषा, बोली व लिपि के बारे में अध्ययन किया। व्याकरण, सबसे पहले हमने व्याकरण के बारे में जाना, फिर भाषा के विविध रूप जाना, बोली के बारे में समझा और लिपि का, इन सब का अध्ययन किया था। और आज हम इसी पाठ के मुख्य महत्वपूर्ण बिंदुओं का पुनरावर्तन करेंगे, जिन्हें हम स्मरणीय बिंदु भी कहते हैं। जो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना एवं बोलना सिखाता है, वह शास्त्र व्याकरण कहलाता है। भावों तथा विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करना भाषा कहलाता है। भावों तथा विचारों को बोलकर दूसरे को तक पहुंचाना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसी प्रकार अपने मन के भावों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। हम जो भाषा बोलते हैं, जैसे मैंने बोला क ख, और मैं इनको जिस तरीके से लिखूंगी वो लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। हिंदी, मराठी, संस्कृत व नेपाली, इन सभी भाषाओं की एक ही लिपि है, वो है देवनागरी। हमारी राजभाषा हिंदी है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक तौर पर राजभाषा घोषित किया गया, इसीलिए हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। सीमित क्षेत्र के लोगों द्वारा आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग की जाने वाली बोली कहलाती है। जैसे सीमित क्षेत्र के लोग, एक पर्टिकुलर एरिया के लोग जिस बोली या भाषा का प्रयोग करते हैं उसे साधारण भाषा में बोली कहा जाता है। जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की। राजभाषा अर्थात वह भाषा दो देश की राजकीय कार्यों में प्रयोग की जाती है। भारत में कुल 18 बोलियां हैं और देश के अधिकतर लोग जिस भाषा को बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, वह वहां की राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में यही अंतर है कि राजभाषा देश के राजकीय कार्यों में प्रयोग की जाती है और राष्ट्रभाषा जिसे देश के अधिकतर लोग बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। विश्व के 2 या 2 से अधिक देशों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा अंतरराष्ट्रीय भाषा कहलाती है और अंतरराष्ट्रीय भाषा है अंग्रेजी। अब अगले कालांश में हम इसी पाठ का भाषा, लिपि, बोली व व्याकरण, इसके प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।